उगते सूर्य देव को दूसरा अर्घ्य देने के साथ ही चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। छठ पूजा के चौथे दिन अर्थात शुक्रवार प्रातः छठ व्रती घाटों पर पहुंचे और सूर्य देव को दूसरा अर्घ्य अर्पित किया। शुक्रवार की सुबह से ही छठ व्रती एवं श्रद्धालु छठ घाटों पर पहुंचकर भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सूर्य देव ने दर्शन दिए, छठ व्रत धारियों ने दूसरा अर्घ्य देकर सूर्य देव की उपासना की। छठ व्रतियों ने लोटे में जल एवं दूध भरकर इसी से सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। इसके साथ ही पूरे विधि विधान के साथ छठी मैया की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही चार दिवसीय महापर्व छठ का समापन हो गया। उगते सूर्य देव को अर्घ्य देकर छठ व्रतियों ने अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना की। आसनसोल से लेकर रानीगंज, जमुड़िया, अंडाल, पांडेश्वर और दुर्गापुर तक छठ घाटों पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला। शिल्पांचल के सभी छठ घाटों पर छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। आसनसोल के बरनपुर स्थित दामोदर नदी घाट पर तो मानो श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। यहाँ हजारों की संख्या में छठ व्रतियों ने घाट पर पहुंचकर छठी मैया की आराधना की। वहीं आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल भी छठ पूजा की भक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आई। विधायक अग्निमित्रा पाल ने बरनपुर में दामोदर नदी के छठ घाट पहुंची, जहां उन्होंने छठी मैया की आराधना की, साथ ही छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक अग्निमित्रा पाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आपके अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। আজকে ছট পুজো এবং আজকে ছটি মাইয়ার আশীর্বাদ নিতে আজকে আমার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় দামোদর ঘাটে প্রতি বছরই আসে এবং আজকেও এসেছি। দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে হাজার হাজার দর্শনার্থী পুণ্যার্থী যারা এসেছেন। অত্যন্ত কঠিন এই পুজো, প্রায় তিন দিন নির্জলা উপোস করে ভাইরা বোনেরা, স্পেশালি মাতৃশক্তি, তারা এই পুজোটি করেন। প্রতি বছরই তাদের সঙ্গে থেকে এই পুজোর যে মায়ের আশীর্বাদ সেটা নেওয়ার চেষ্টা করি। মায়ের ছুটি মায়ের কাছে প্রার্থনা করি যে আজকে মা পশ্চিমবঙ্গের মায়েদের কোনো সম্মান নেই, নাই কোনো সুরক্ষা। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে মায়েরা লাঞ্ছিত হচ্ছে। ছুটি মাইয়া যেন বাংলার সমস্ত মহিলা, ভারতবর্ষের সমস্ত মহিলা সবাইকে যেন আশীর্বাদ করেন। वहीं रानीगंज और दुर्गापुर के भी छठ घाटों पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सुबह से ही छठ पूजा के लिए घाटों पर भारी भीड़ जमा थी। छठी मैया की पूजा अर्चना और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद छठ व्रतियों ने अपना व्रत खोला। आसनसोल से संतोष मंडल के साथ संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণ মুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমার বাজার, ভক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে। মাত্র 1 লক্ষ টাকায় বুকিং করুন আপনার স্বপ্নের বাড়ি। থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে
দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 0334190333 8617877275933107047।